हेलो और जय मसीह की सबको। क्यों ना हम अपनी गलातियों की शिक्षा में आगे बढ़े। आज हम गलातियों तीसरा अध्याय उसके 21वें पद से आरंभ करेंगे और यहां लिखा है, तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। तो इन पदों के द्वारा पौलुस क्या कहना चाह रहा है जो हमने 21 और 22 में अभी पढ़ा। पौलुस कह रहा है कि अगर व्यवस्था का पालन करने से, निर्देश रूल्स को हम जब फॉलो करते हैं, इससे अगर हमें जीवन मिल जाता तो फिर धार्मिकता व्यवस्था के पालन से ही आती। प्रायोगिक रीति से इसका क्या अर्थ है? जब मुझे पता है झूठ बोलना गलत है तो मैं झूठ जब बोलता हूं मेरे अंदर एक एहसास मुझे होता है कि यह मैंने गलत किया, और अगली बार मेरे मन में यह आएगा कि मुझे झूठ नहीं बोलना। अगली बार जब अवसर मिलेगा झूठ बोलने का मेरे मन में वही बात आएगी, ये गलत है। अब क्या हुआ, मैं व्यवस्था का पालन कर रहा हूं और ये जरूरी है। निर्देश सिद्धांतों का होना हमारे जीवन में अच्छा होता है, पर इससे आपने देखा मुझे जीवन नहीं मिल रहा, ताड़ना मिल रही है, मुझे सही और गलत का पता लग रहा है पर जीवन नहीं आ रहा मेरे शरीर में, मेरे प्राण में। जीवन मुझे कैसे मिला, अनंत काल का जीवन मुझे कैसे मिला? जब मसीह यीशु, जिसका वायदा अब्राहम से परमेश्वर ने किया कि तेरे द्वारा, तेरे बीज के द्वारा सब आशीषित होंगे, और वो बीज कौन है? मसीह यीशु। और जब हमने मसीह यीशु पर विश्वास किया हमने अनंत काल का जीवन प्राप्त किया। तो देखा हमें जीवन कैसे मिला, विश्वास के द्वारा। और आगे हम पढ़ते हैं 23। 23वें पद में लिखा है, पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। तो बचपन में हमारी सहायता के लिए, हमारे मार्गदर्शन के लिए हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता का काफी महत्वपूर्ण रोल रहा है, या हमारे गार्डियन का, जो हमें बताते हैं कि बच्चों ये सही है ये गलत है, नहीं ऐसा मत करो चोट लग जाएगी। व्यवस्था ने ठीक यही किया हमारे लिए, ये हमारे पेरेंट्स के तरह, हमारे माता पिता के तरह हमें निर्देश देते थे। ना केवल निर्देश, जब हमें सुधार की जरूरत थी हम सुधरते थे। कैसे हमारे पेरेंट्स हमें कभी कभी मारते थे, जब डांट सुननी है वो हमें डांटते थे पर हमें सही करते थे। डांटने का एक उद्देश्य होता था कि हम सुधार को लाएं अपने जीवन में। ऐसा ही व्यवस्था ने हमारे जीवन में किया, पर ये कब तक? जब तक जिसकी प्रतिज्ञा हुई वो ना आए, और जैसे ही प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आए, मरकर जी उठे, हमने उन पर विश्वास किया, और जब हमने उन पर विश्वास किया हम धार्मिकता ठहराए गए। और ऐसा ही 25 में लिखा है, परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहे। अब हमें शिक्षकों की जरूरत नहीं है कि बेटा ये सही है ये गलत है, नहीं। क्यों? क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। अब तुम पुत्र हो, अब तुम बेटे और बेटी हो, और बेटे होने के कारण, बेटी होने के कारण अब हमें पता है मेरे घर में क्या अनुशासन है, मेरे पिता के घराने का क्या अनुशासन है, और एक पुत्र होने के नाते मुझे क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। ये परिपक्वता अब मेरे भीतर आ चुकी है। अब मुझे किसी के अधीन रहकर नहीं सीखना, क्योंकि पहला यूहन्ना 2:27 में लिखा है, अब वो अभिषेक जो तुम्हारे भीतर है तुम्हें सब बातों को सिखाता है, अब तुम्हें पवित्र आत्मा सिखाता है। और 27वें पद में लिखा है, तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर
और ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। कहां हम एक समय तक सोचते थे कि हम धर्मी कैसे ठहराएं अपने कर्मों के द्वारा, जब मैं अच्छा करूंगा, जब मैं रोज ये करूंगा तब जाके मेरे साथ अच्छा होगा। पर मसीह के द्वारा क्या हुआ, हमने वो धार्मिकता की ढाल, वो झिलम पहन ली। अब मेरे कर्म मुझे धर्मी नहीं ठहराते, मैंने मसीह को पहन लिया। तो जब कोई मुझसे कुछ कह दे मैं एकदम उनको क्या दूंगा, मैं धर्मी ठहराया गया हूं, देख मैंने मसीह को पहन लिया। अब हम में, यहूदियों में, पुरुष स्त्री, इनमें कोई अलगाव नहीं है, हम सब एक हैं, क्योंकि मसीह में हम सब एक हैं। और जो प्रतिज्ञा प्रभु ने अब्राहम से की थी वो हमारे लिए भी है। जब हमने उस प्रतिज्ञा पर विश्वास किया, मसीह यीशु पर विश्वास किया, हम पुत्र होने के कारण वारिस भी ठहरे। एक घर पे जो पुत्र होता है वो वारिस है उस जायदाद के लिए, जो कुछ उसके पिता का है वो उसका है। और इसके लिए हमने क्या किया, बस विश्वास। मैं चाहता हूं हमारा प्रार्थना जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन ये व्यवस्था के अधीनता में ना चले, वरन एक व्यक्तिगत रिश्ता हमारा परमेश्वर के साथ हो, कि हम मनी मन लगातार बिना नागा बिना रुके प्रार्थना करें। प्रार्थना जीवन का मतलब ये नहीं है कि मुझे सब कुछ त्याग करके एक कमरे में बंद होना पड़ेगा। प्रार्थना जीवन का मतलब मेरा जीवन ही एक प्रार्थना है, मेरी आराधना ही एक प्रार्थना है, मेरा खाना बनाना, मेरा काम करना, मेरा ऑफिस जाना, मेरे ऑफिस से आना, ये सब एक प्रार्थना ही है। ये है प्रार्थना जीवन। मैं चाहता हूं हम इस ताड़ना और दंड और दोषारोपण के अधीन ना रहे, वरन सीखें, समझें कि विश्वासी की जीवन शैली क्या है, और पवित्र आत्मा हमें सिखाए। मैं नहीं सिखा सकता, पवित्र आत्मा जो आपको सिखाएगा वो सच है, तो उससे सुने, उसके साथ संगति करें। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।